नमस्ते दोस्तों, मेरी यमी रसोई में आपका स्वागत है। आज हम पार्ले जी बिस्किट से केक बनाना शेयर करते हैं। टेस्टी और हेल्दी केक तैयार होती है। पार्ले जी बिस्किट हमारे आसपास के दुकानों में मिल जाती है। घर पे रहें, सेफ रहें। बस 20 रुपये में केक तैयार हो जाती है। देखिए कितना सॉफ्ट तैयार हुआ है। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पूरा देखें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। केक बनाने के लिए सामान ले लेते हैं। हमने पार्ले जी बिस्किट लिया है, इस तरह का 3 पैकेट लिया है। बड़े पैकेट में जो पैकिंग होता है उसमें से 3 पैकेट हमने पार्ले जी का लिया है। और हमारे पास टूटी फूटी नहीं थी तो हम ड्राई फ्रूट यूज कर रहे हैं, तो हमने ये काजू बादाम लिया है, किशमिश और काजू को मैंने हल्का सा दरदरा कूट लिया है। वेनिला एसेंस लिया है जो आधी चम्मच यूज करेंगे। 2 चम्मच शक्कर पाउडर लिया है। अगर आप शक्कर कम खाते हैं तो आप और कम ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। 2 चम्मच हमने घी लिया है। मेरे पास बटर नहीं था, आप बटर भी यूज कर सकते हैं। 1 कप हमने दूध लिया है। दूध कम होगा तो हम और ले सकते हैं। अब बिस्कुट को इस तरह से एक बाउल में आप तोड़ लीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में। और अब इसे मिक्सी में पीस लेते हैं। खूब ही पतला और महीन पीसना है। देखिए हमने इसे बिल्कुल महीन पीस के तैयार किया है। इसे चालनी से चालने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा महीन पीसा है हमने इसे। अब इसमें हम घी ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल 1.5 चम्मच घी है और ड्राई फ्रूट ऐड कर लेते हैं। वेनिला एसेंस हमने बस बहुत ही कम मात्रा में यूज किया है, 1/2 चम्मच से भी कम। आप इसके जगह पे चॉकलेट पाउडर या जो भी आप कोई दूसरा फ्लेवर भी चाहते हैं, या तो वेनिला एसेंस नहीं है तो आप कुछ भी मत डालिए, इलायची पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब इसे दूध से घोल तैयार करते हैं। हमने पूरा 1 कप दूध डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से चलाते हुए इसके घोल को तैयार कर लेते हैं। घोल काफी गाढ़ा है तो मैं थोड़ा दूध और यूज करूंगी। क्योंकि इसका घोल थोड़ा और पतला होना चाहिए। अब मैं 2-3 चम्मच दूध ऐड करी हूँ और इसे अच्छी तरह से चलाती हूँ। ये गाढ़ा है अभी थोड़ा, 3 चम्मच दूध और मैं डाल चुकी हूँ इसमें। कुल मिला के हमने 1.5 कप दूध यूज किया है इसके घोल तैयार करने में। पानी से भी घोल तैयार हो सकता है, अगर दूध नहीं है तो, लेकिन दूध से घोल अच्छा तैयार होएगा, थोड़ा टेस्ट अच्छा बनेगा इसका। इस तरह का घोल तैयार करना है। देखिए अब मैं इसमें इनो यूज करूंगी, 1/2 चम्मच खाने का सोडा या बेकिंग पाउडर यूज नहीं कर रही हूँ, इनो यूज कर रही हूँ। 1/2 चम्मच इनो डाल के और बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करना है, एक तरफ से ही चलाते हुए, ताकि इसके बुलबुले ख़त्म नहीं हो, इसलिए इसे एक तरफ से ही चलाना है। बहुत ही अच्छी तरह से फेंटना है इसे। देखिए ये घोल तैयार हो गया है। अब इस तरह का एक बॉल लेते हैं, एल्युमिनियम का हमने लिया है, तेल से ग्रीस कर लिया है और मैदा डाल के और इसे चारों तरफ से लगा दिया है ताकि केक निकालने में आसानी हो। अब इसमें इस घोल को ऐड करते हैं।
घोल हमने इस बाउल में आधा लिया है, आधा ये फूलने के बाद तैयार होएगा। इस तरह से मोटे पेंदी का कढ़ाही हमने चूल्हे पे लो फ्लेम पे रखा है और इस तरह के एक जाली उसमें रख दिया है। अगर जाली नहीं हो तो आप प्लेट भी रख सकते हैं। हमने 15 से 20 मिनट तक इसे गर्म किया है। अब इसे इस तरह से रख के और ढक देते हैं और फ्लेम को लो ही रखते हैं। 25 से 30 मिनट की टाइम में इसे पकाते हैं। 30 मिनट हमारा टाइम लगा है। अब इसे चेक करते हैं, देखिए ये बिल्कुल तैयार है। 30 मिनट का टाइम लगा है हमारा इसे बनाने में और ये तैयार हो गया है बिल्कुल बनके। अब इसे निकाल के ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने में 20 से 25 मिनट के लिए इसे छोड़ दीजिए और फिर हल्के हाथों से साइड से चाकू से चलाते हुए अलग कर लीजिए और दूसरे प्लेट पर इस तरह से उलट के और इसे निकाल लीजिए। ये निकल गया अच्छी तरह से। अब इसे सीधा करना है तो इस तरह से प्लेट डालना है और इसे सीधा कर देना है। देखिए तैयार हो गया है बिल्कुल। अब इसे हल्का सा डेकोरेट कर लेते हैं। हमने इसे इस तरह का कागज़ का पट्टी तैयार किया है और उसे इस तरह से रख देते हैं। देखिए हमने इसे इस तरह से रख दिया है और चाय छानने की छन्नी में शुगर पाउडर डाल के और इस तरह से ऊपर से गिराइए। अच्छी तरह से गिराते हैं। फिर इस कागज़ को आप धीरे धीरे करके उठा लीजिए और निकाल दीजिए। इससे एक हल्का सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा और बहुत ही कम मेहनत में एक डिज़ाइन बन जाएगी। देखिए तैयार हो गया केक बिल्कुल बढ़िया।